पोलू भैया यही वो तीन नमूने हैं जिसके कारण कल वेस्ट इंडीज मैच हारी और इंडिया मैच जीती। यही वो तीन नमूने होल्डर, हेटमायर और मकोय। मकोय नहीं, इसे मकई बोलू, मकई। अबे चुदनवा थोड़ा ढंग से बोल ले, मकई मकई बोल रहा है। एक मैच जीता वो भी मैच तो मेरे ही चलते जीता, मैंने 6-6 विकेट लिए इंडिया के, तब तूने मैच जीता और तू मुझे मकई मकई बोल रहा है। अरे पोलू भैया इसमें मकोई का कोई गलती नहीं, इसमें सरासर गलती पुरनवा का है। इसे कप्तानी करना आता ही नहीं है और ये आ जाता है कप्तानी करने, बताओ जीते हुए मैच को ये हरा देता है। हाँ पोलू भैया, होल्डर भाई ठीक ही बोल रहे हैं, पुरन को कप्तानी करने का लोड ही नहीं है, इसे समझ नहीं है कैसे कप्तानी किया जाता है। इससे अच्छा आप मुझे कप्तान बनवा देते, मैं अच्छा से करता कप्तानी, देखते आप किस तरह मैं वेस्ट इंडीज वाले को जिताता, वनडे में जिताता, T20 सीरीज जिताता, पर आप लोगों ने पुरनवा को कप्तान बनाया जो कि सरासर गलत किया। अबे होल्डर के चमचों, तुम लोग होल्डर को सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा बात है, कोई बात नहीं, अगले मैच में तुम लोग को मैं टीम में ही नहीं खिलाऊंगा। अरे मकई तुमने 6 विकेट लिया तो क्या हो गया, अगले मैच में तुमसे तो 1 विकेट भी नहीं लिया गया इंडिया का और तुम बोल रहा है कि मैंने 6 विकेट लिया। वो तो तुम्हारी दिन अच्छी थी कि तुमने 6 विकेट ले लिए थे, वरना तुम्हें तो जिस तरह से कल मारा गया उसी तरह उस रोज ही मारा जाता है इंडिया बैट्समैन के द्वारा। भला हो अल्जारी जोसेफ का जिसने रोहित शर्मा का कमर तोड़ के थोड़ी इंडिया वाले को मैच में फंसाया, पर ये सूर्य कुमार नामक भूत जो आके मैच को एक तरफा ही कर दिया। इंडिया में देखो कोई भी आता है अकेले मैच जिता के चले।